अंतरराज्य गिरोह के 4 अभियुक्तों को एटीएम से चोरी की गई नकदी 2,70,000 रुपए के साथ किया गया गिरफ्तार। नमस्कार, आप देख रहे हैं UK 24x7 न्यूज। देहरादून पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आपको बता दें कि डोईवाला पुलिस द्वारा एटीएम में चोरी करने वाले 4 अभियुक्तों को नकदी 2,70,000 रुपयों के साथ व मास्टर चाबी तथा एटीएम कार्ड के साथ गिरफ्तार किया गया है। वहीं एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर ने बताया कि यह सभी दिल्ली के निवासी हैं और उत्तराखंड में घूमने के बहाने आकर एकांत में स्थित गार्ड रहित एटीएम में जाकर पहले रेकी करते थे तथा मौका देखकर एटीएम में रुपए निकालने वाले स्थान पर एक काले रंग की 9 से 10 इंच लंबी व 2 इंच चौड़ी काले रंग की फाइबर की पट्टी लगा देते थे, जिससे कोई भी व्यक्ति जब एटीएम में रुपए निकालता है तो रुपए उसके खाते से तो कट जाते हैं पर एटीएम से बाहर नहीं आ पाते थे तथा एटीएम में ही फंस जाते हैं। अभियुक्तों में से एक व्यक्ति एटीएम के अंदर बने कैबिन में पहले से ही छुपा रहता है तथा उस रुपए निकालने वाले व्यक्ति के बाहर आ जाते ही अपने पास एटीएम खोलने की मास्टर चाबी निकालकर एटीएम खोलकर एटीएम में फंसे रुपए निकाल लेता है तथा पुनः उसके बाद उस काली पट्टी को एटीएम में रुपए निकालने वाले स्थान पर लगा देता है और शेष अभियुक्त एटीएम के बाहर रहकर आने जाने वालों पर नजर रखते थे। देखिए पूरी खबर प्रदीप भंडारी की UK 24x7 के लिए देहरादून से। एटीएम फ्रॉड करने वाले बताया गया कि मुझे ने बताया कि एटीएम फ्रॉड करने वाले कुछ लोग घूम रहे हैं, अचार नंबर दिल्ली नंबर की गाड़े हैं और इस पर हमारे हमने सबको अलर्ट हमारा एक तरह से अलर्ट कर दिया था और थाना डोई वाला ने इसमें एक्टिविटी पार्टिसिपेट करते हुए इसको इस घटना को कलेक्ट करने वाले 4 लोगों की अरेस्टिंग करी। उसमें 2,70,000 रुपया बरामद किया। एक गाड़ी है दिल्ली नंबर की हुंडई एक्सेंट, वो बरामद किया। 4 चाबियां जो हैं जो एटीएम का जो चैम्बर होता है उसके खोलने के जो चाबियां होती हैं तो वो 4 चाबियां बरामद हुई हैं। काली पट्टी है फाइबर पट्टी होता है वो 4 पट्टियां बरामद कर ली, जिसको इस्तेमाल करते हुए उन्होंने ये फ्रॉड किया 5 एटीएम। उस गिरोह का काम ये था कि इसमें जो सरगना है वो अमित है और अमित को जानकारी थी कि एटीएम कैसे ऑपरेट करते हैं, एटीएम को कैसे बोलते हैं और उसके पास ये 4 चाबियाँ थी। उसी 4 चाबियों के माध्यम से इसने जब पैसा आप एटीएम के ऑपरेट करते हैं तो फिर पैसा निकलता है, पैसा निकल करके बाहर एटीएम से पैसा निकल कर जब ट्रे में आने से पहले पैसा बाहर निकलता है फिर दूसरे उसमें वो बाहर निकलता है। तो वहीं पर ये जो काली पट्टी जो फाइबर है उसको लगाया गया था, लगाते हैं लोग और ताकि पैसा बाहर निकले। अब कस्टमर गया उसने एटीएम में जाकर के उन्होंने अपना पूरा ऑपरेट किया, पैसे निकलने की आवाज़ भी आई लेकिन पैसा बाहर नहीं निकला। कस्टमर गफलत में रहता है कि इसका मतलब मशीन ख़राब है या मेरा पैसा अगर निकला है तो पुराना जो क्रेडिट हो जाएगा है। और इसका एक मोटस ऑपरेंडी ये थी कि ये लोग करते क्या थे, ये बेसिकली छुट्टी के दिन इवनिंग या छुट्टी के दिन ताकि जो है अगर कस्टमर कोई दिक्कत हो तो कस्टमर जो है बैंक में जाने के लिए वो कम से कम 1 दिन टाइम मिल जाए और या कस्टमर केयर को कॉल करेगा तो उसमें प्रॉपर तुरंत रिस्पॉन्ड मिले। इस एक खामी का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने उसको किया है। टीम को मेरे तरफ से वीज़ा देना और इसमें 2 लोगों की अरेस्टिंग शेष है, वो 2 भागे हुए हैं, वो भी दिल्ली के रहने वाले हैं और इसमें एक गाड़ी वीज़ा गाड़ी है 4 नंबर की, उसको भी हमने रिकवर करना है तो उसको हम जल्दी पहुँचाते रिकवर करना। गाँव की गलियों से शहर के शोर शराबे तक हम लाते हैं सही खबर। आप देख रहे हैं UK 24x7 न्यूज़, खबर वही जो है सच सही।